दिल्ली हिंदुस्तान का दिल अब बस एक गैस चेंबर बन के रह चुका है। स्टडीज के अनुसार पिछले 17 सालों का ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भरा महीना है और काफ़ी है दोस्तों ये हम सबको चोक करने के लिए। अब घरों में तो हम एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, अपने हर कमरे में हम फिलिप्स के या शाओमी के बहुत से एयर प्यूरीफायर्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर आप उनको अपने साथ बाहर लेके नहीं जा सकते हैं। ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ती है एयर पोल्यूशन मास्क से। दुकानों में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन मास्क भी मिलेंगे आपको, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये से स्टार्ट होते हैं, मगर क्या ये एयर पोल्यूशन मास्क आपको बचाते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से एयर पोल्यूशन मास्क हैं जो आपको खरीदने चाहिए, जो कि आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम AQI से, जिसका मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और दिल्ली में दोस्तों अभी AQI चल रहा है 999 से भी ऊपर, और जबकि इसकी एक्सट्रीम अलार्मिंग रेंज सिर्फ और सिर्फ 500 तक है, जो कि IIT कानपुर का एक स्केल है। ऐसे में अगर आप दुकान में जाते हैं और उन्होंने आपको एक 12 रुपये का सर्जिकल मास्क या फिर ये कपड़े का जो कि एयर पोल्यूशन मास्क दे दिया, इससे कुछ नहीं रुकने वाला, बिकॉज ये आपके जो डस्ट है उसको तो कवर कर लेंगे, मगर अभी हवा में पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको ये नहीं रोक पाएंगे, जो कि आपके लंग्स के अंदर तक जा करके आपको बीमार बना सकता है। पार्टिकुलेट मैटर्स की अगर हम बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर दो तरीके के होते हैं, जो कि रीडिंग्स में आते हैं, जो कि हैं PM10 और PM2.5। ये इतने छोटे होते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने बाल का एक स्ट्रैंड लें, उसका सिर्फ और सिर्फ 20%, उसका जो विड्थ है सिर्फ और सिर्फ 20% होता है PM10, और उस PM10 का जो 20% का जो साइज होता है वो होता है PM2.5। तो आप समझ लीजिए कितना छोटा है, और ये किसी भी रुमाल से या किसी भी सर्जिकल मास्क से नहीं रोकने वाले। इसके लिए आपको चाहिए N99 या N95 मास्क एटलीस्ट। N95 जो मास्क है वो PM2.5 का 95% अब्सॉर्ब करता है। सबसे अच्छी जो कंपनी जो ये मास्क बनाती वो है हनीवेल और 3M, और ये आप ऑनलाइन अमेज़ॉन और स्नैपडील में खरीद सकते हैं। मैं आपको लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और ये जो मास्क है दोस्तों ये है डिस्पोजेबल मास्क, ये आप 100 घंटे यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपको इस मास्क को फेंकना पड़ेगा और नया मास्क यूज़ करना पड़ेगा, और इसको धोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज धोने के बाद ये अपनी सारी जो कवरिंग है वो खो देगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों N99 मास्क, जो कि 99 PM2.5 और PM10 पार्टिकुलेट मैटर्स को रोकता है। ये भी 3M के उपलब्ध हैं, ये जो N95 है उनसे 40 या 50 रुपये ज़्यादा है, और इनके भी लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और वो भी दोस्तों डिस्पोजेबल मास्क हैं। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों P99 और R99 मास्क से। ये जो मास्क होते हैं दोस्तों इनमें होते हैं एक्टिवेटेड चारकोल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर्स ही नहीं, आपकी जो हवा में जो सल्फर है, जो कि ऑयल बेस्ड आपके पोल्यूटेंट्स हैं, उनको अब्सॉर्ब करता है। अब ये जो P99 मास्क हैं ये थोड़े से महंगे आते हैं, ये लगभग 400 या 500 के आते हैं, और इनको भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लिंक्स फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। लेकिन जो R99 मास्क हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रेड मास्क है, और वो 10,000 का आता है, तो वो मैं भी नहीं बोलूँगा कि आप खरीदो, और वो इतना कोई वैल्यू ऑफ मनी भी नहीं है। तो दोस्तों ये मास्क थे बड़ों के लिए। अब बच्चों को ये मास्क फिट नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी जो साइज़ है, इनका जो बनावट का स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े नोज पे क्लिप रहेंगे। छोटे बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वोग मास्क, जो कि थोड़े महंगे हैं, 1599 से लेकर के 2200 तक के मिलते हैं, और ये बच्चों की साइज़ में भी अवेलेबल है। वोग मास्क में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा एडिशन है, जो कि कहलाता है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है कि आपके जो हवा में जो सल्फर है और जो दूसरे ऑयल बेस्ड पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी फिल्टर करता है, और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ मास्क जो आप दिल्ली के लिए खरीद सकते हैं, और वो आपको बढ़ते प्रदूषण से सेफगार्ड करेगा। मगर ये ध्यान रखिएगा कि जो सर्जिकल मास्क है या फिर सिर्फ और सिर्फ जो हम रुमाल लगाते हैं अपने नाक के ऊपर, वो मत करिए प्लीज़, और प्लीज़ मास्क खरीदिए, बिकॉज जो रुमाल है वो कुछ नहीं रोक रहा, और आपकी जो सेहत है वो आपको पता भी नहीं चल रहा, और अंदर ही अंदर ये ख़राब होते जा रही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपकी और आपके परिवार वालों की सेहत बनी रहे,
नमस्कार।